ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप श्लोक क्रमांक 30। ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाषण्डमाश्रिताः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तात्पर्य, भृगु मुनि ने नंदीश्वर को शाप देते हुए कहा कि वे सब इस शाप से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वे पहले से नास्तिक पद पर गिर चुके थे, क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के परम स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है। यथा बुद्धिमान वर्ग, युद्ध प्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्मानुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्र तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कलमश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान अर्थात अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो। जब तक मनुष्य सांसारिक कलमश में रहता है, तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है, किंतु इस जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। वेद वह मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य है और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण पिता तुल्य हैं। अतः यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिक के स्तर पर गिर जाता है। संस्कृत में नास्तिक शब्द प्रयुक्त हुआ है जो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करता और धर्म की कुछ मनगढ़ंत पद्धति का निर्माण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक हैं। अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार किया और बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत में रोका और इसे देश के बाहर निकलने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर ब्रह्म च ब्राह्मणान कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में ब्रह्म है। यदि ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए, तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी। भृगु मुनि ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक बनोगे, तुम तो पहले से नास्तिक हो, इसलिए तुम निंदनीय हो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दक्ष द्वारा शिवजी का शाप, शिवजी को शाप नामक ये अध्याय है। तो यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार जब एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया जा रहा था तो उस समय में दक्ष प्रजापति उस यज्ञ को कर रहे थे और वहाँ पर सभी देवतागण, ब्रह्मा, शिवजी इत्यादि सब उपस्थित थे। जैसे ही दक्ष प्रजापति प्रविष्ट हुए कक्ष में तो सभी ने उनके सम्मान के लिए अपना आसन छोड़ करके वो खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया, लेकिन शिव जी जो उनके दामाद भी हैं वे आसन छोड़कर खड़े नहीं हुए। तो इसलिए दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने शिवजी को शाप दिया और बाद में फिर नंदीश्वर उन्होंने बदले में सभी वहाँ एकत्र ब्राह्मणों को शाप दिया। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि दक्ष ने क्रोध में आकर शिवजी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर चला गया। तो उसने बहुत तरीके से शिवजी की निंदा की और अंत में कहा कि ये शिवजी जो हैं भी यज्ञ भाग में शामिल नहीं होंगे, इनको जो यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा इनको, और ऐसा कह करके वो चला गया। उसके बाद में जो नंदीश्वर हैं तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों को क्या शाप दिया, जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो सभी ब्राह्मणों को शाप दिया कि आपका सारा ज्ञान जो है वो चला जाएगा आपसे। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नंदीश्वर ने शाप दिया। तो अभी फिर बदले में जो भृगु मुनि हैं, देवताओं के पंडित, उन्होंने फिर बदले में ये वचन बोले जो आज हमने सुने कि नंदीश्वर और सभी जो शिवजी के अनुचर हैं उनको कहा कि आप सभी लोग नास्तिक हो, क्योंकि आप सभी ब्राह्मणों का और वेदों की आप निंदा करते हैं। क्योंकि नंदीश्वर ने कहा था कि आप सभी तथाकथित रूप से वेदों को मानते हो और सकाम कर्म में लिप्त रहते हो। तो सामान्यतया जो लोग सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं वे सकाम कर्मों को ही वेदों का निचोड़ मानते हैं। जैसा कि भगवद्गीता में भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय के अंदर क्या श्लोक है, क्रिया विशेष बहुलाम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रताः पार्था नान्यदस्ति इति वादिनः। तो जो वेदों के पुष्प भरे वाक्यों को यामिमां पुष्पितं वाचं, जिसमें कि सकाम कर्मों की को बढ़ावा दिया गया है, वेदों के उन वाक्यों को जो सब कुछ मानते हैं, वेदवाद रताः उनको बताया गया है, वे वास्तव में वेदों को जानने वाले नहीं हैं लेकिन वेदवाद रता है,
तथाकथित वेदों को जानने वाले हैं, मर्म को नहीं जानते हैं, केवल बाह्य रूप से वेदों को जानते हैं। वेदवाद रताफ पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः, इसके अलावा और वेदों में कुछ नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। यही है वेदों का सार। क्या? जहाँ पर बड़े पुष्पितम वाचम, अर्थात वेदों में वो वाक्य जहाँ कहा गया है कि ये यज्ञ संपन्न करो, इससे आप सुखी होगे, स्वर्ग जाओगे, आपको पुत्र प्राप्त होगा, आप इस जगत में सब सुख प्राप्त कर सकते हो, और सब प्रकार की वेदों में मार्ग है जिससे आप इस संसार में खूब भोग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे वचन हैं वेदों के अंदर। ये बहुत बड़ा भाग है वेदों का, कर्मकांड भाग, करेक्ट। तो जो कर्मकांडीय लोग होते हैं उनका, उनको वेदवादरता कहा गया है। नान्यदस्ति इति वादिना, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। जो बड़ी बड़ी ऐसे यज्ञ और ऐसे संस्कार हैं जो वेदों में कर्मकांड भाग में दिए गए हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, वो बड़ी बड़ी इन क्रियाओं को ही सब कुछ मानते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं ऐसा सोचते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भृगु मुनि और सभी जो दक्ष इत्यादि सभी थे, वो इसी प्रकार सकाम कर्मी थे, तो उनके लिए यही वेद है कैसे इस जगत का हम भोग कर सकते हैं। तो यही बात आज भी हम कुछ हद तक देखते हैं, जो भी तथाकथित वेदों के थोड़े बहुत अनुयायी हैं किसी किसी मात्रा में हिंदू धर्म के अंतर्गत, या इवन क्रिश्चियंस मुसलमान के अंदर भी जो भी कुछ धार्मिकता है वो यहीं तक सीमित रह जाती है कि हमें कुछ अनुष्ठान करने हैं, वी हैव टू बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास होना चाहिए, और फिर भगवान आपको सुख शांति प्रदान करेंगे, आप खूब इस जगत में सुख शांति से रह सकते हो। ज़्यादातर धर्म का परिधि, धर्म की पराकाष्ठा यहीं तक माना जाता है, यही धर्म का हेतु है, इस भौतिक जगत में कैसे हम सुख शांति से रह सकें। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये वेदों का वास्तविक निचोड़ नहीं है, शास्त्रों का वास्तविक निचोड़ ये नहीं है, भगवान का ये वास्तविक संदेश नहीं है, परम संदेश नहीं है। यस, ये भी है वेदों में, ये भी वर्णित है, ऐसा नहीं है कि वेदों में वर्णित नहीं है। इसलिए यदि कोई ऐसा कहता है कि वेद में ये लिखा है इसलिए वेद बेकार हैं, तो वो नास्तिक है। वेद न मानिला बौद्ध होइबे नास्तिक। बुद्ध जो थे उन्होंने वेदों की निंदा की, हाँ ये गलत है, ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, जो शास्त्रों में जो भी कुछ कहा है वो गलत नहीं है, देवताओं की पूजा करके इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, इसके आगे जाना है। वास्तव में ये सब जो वेदों के अंदर सकाम कर्म के विषय में दिया है, अलग अलग संस्कार, अलग अलग अनुष्ठानों के विषय में दिया है, उसके पीछे हेतु है कि धीरे धीरे जो व्यक्ति बहुत अधिक अंधकार में है, बहुत अधिक इस भौतिक जगत से आसक्त हैं, उन लोगों के लिए क्रमिक विकास का मार्ग ये संस्तुत किया गया है वेदों में, जिससे वे लोग भौतिक जगत का भोग भी कर पाएँ और धीरे धीरे उन अनुष्ठानों के अंदर जो दवाई है, औषधि है, भक्ति जो सम्मिलित है उसमें, सभी पुण्य कर्मों में भक्ति सम्मिलित है, उस परोक्ष रूप में जो भक्ति सम्मिलित है, अनजाने में उस भक्ति को करके धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो पाए, चित्त शुद्ध हो पाए, और धीरे धीरे वो समझ पाए कि ये जो सारी तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, वो एक दिन समझ पाएँ कि ये जो त्रैविद्या सोमपापूत पापाहा, त्रैविद्या ये जो धर्म अर्थ काम, ये जो तीन विद्याएं जो कर्मकांड भाग में दी हुई हैं, त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापाहा, सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये तीनों जो वेदों के जो भाग हैं कर्मकांड के अंतर्गत, इसमें पापों से मुक्त होने की शिक्षा है और पुण्य करने की शिक्षा है ना। तो त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञ संपन्न करके क्या क्या प्रार्थना करते हैं, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गतिम की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से
स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान। तो इस प्रकार से यज्ञ पालन करके वो क्या प्राप्त करते हैं? स्वर्गलोक का सुख प्राप्त करते हैं, बड़ा विशाल सुख प्राप्त करते हैं। दिविदेव भोगान, देवताओं को प्राप्त सभी भोग ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में ये वेदों की शिक्षा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो वेदों में वर्णित हैं। तो उसमें से जो पहले तीन हैं वो कर्मकांड भाग के अंतर्गत आते हैं, धर्म अर्थ काम। धर्म का अनुशीलन करो, यज्ञ संपन्न करो, उससे अर्थ की प्राप्ति होगी और अर्थ की प्राप्ति से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये सामान्य विधि है, शास्त्रों में बड़ा भाग जो है यही बताता है। इसलिए आज तक भी, यद्यपि अभी वेदों का अनुसरण करना बंद हो गया है, लगभग कोई वेदों को जानता नहीं है, लेकिन फिर भी पुण्यशाली लोग जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है उसको लेकर धर्म अर्थ काम के मार्ग में प्रशस्त होते हैं। जो पापी हैं वो धर्म की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं, वो नास्तिकवाद हैं, नास्तिक हैं, सरेसर धर्म की अवहेलना करते हैं और पाप में कृत्यों में लिप्त होते हैं। लेकिन जो पुण्यशाली हैं वो धर्म का सहारा लेकर के इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। तो इनको त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना कहा गया है, तीनों धर्म का पालन करने वाले। और ऐसे लोगों को वो स्वर्गलोक प्राप्त होता है, लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्गलोक प्राप्त होने के बाद जब उनका पुण्य फल खत्म हो जाता है तो वापस इस मृत्यु जगत में वो आ जाते हैं, इस पृथ्वी लोक पर वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदवाद रता है, वो वास्तव में वेदों के मर्म को नहीं जानते हैं। तो वास्तव में इन अनुष्ठानों को अनुशीलन करके अपेक्षा है कि सतोगुण प्राप्त होगा, और जब सतोगुण प्राप्त होगा तो धीरे धीरे ये जो साथ में जो भक्ति से मिली है उसके द्वारा वो शुद्ध सत्व को प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात भगवान के भक्तों के प्रति उनका आदर सम्मान आएगा। क्योंकि जब सतोगुण आता है तो साधुओं के प्रति रिस्पेक्ट उत्पन्न होती है, ये सतोगुण का प्रभाव होता है। जब सतोगुण आता है तो उससे साधु और असाधु उसमें भेद समझ में आता है, आकर्षित होते हैं सतोगुण से हम लोग। जो लोग भी वेदों को मानने वाले हैं, वैदिक अनुष्ठान करने वाले हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना स्वतः जागृत होती है। तो दक्ष प्रजापति और सभी जो ब्राह्मण थे उनसे क्या अपेक्षित था, वो लोग सतोगुण में उपस्थित थे, सब यज्ञ अनुष्ठान करते थे, तो उनसे अपेक्षित था कि वो शिवजी जो महानतम वैष्णव हैं उनकी परम स्थिति को समझ पाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, ये उनसे अपेक्षित था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हुआ। दक्ष प्रजापति को लगा कि सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं प्रजापति हूँ, मैं इतना पुण्यशाली हूँ, मेरा इतना उच्च पद है, और ये शिव ये मेरा दामाद है, एक तो इस तरह से मेरे से निम्न अवस्था में है, और वैसे भी ये तो शमशान में रहता है, राख को लपेटता है, और कहाँ मैं इतना सत्वगुण में रहने वाला हूँ, तो इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए था, इसने कैसे मेरा सम्मान नहीं किया, इसका मतलब इसके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, ऐसा उसको लगा, ऐसा उसने सोचा। तो ये बहुत बड़ी एक शिक्षा यहाँ से हमको मिलती है, सतोगुण घातक कैसे हो सकता है। सामान्यतया सतोगुण भक्ति के लिए अनुकूल है, लेकिन वो घातक भी हो सकता है यदि उस सतोगुण से अहंकार उत्पन्न हो जाए तो। यदि सतोगुण से अहंकार उत्पन्न हो जाए तो वो सतोगुण प्रतिकूल हो जाता है भक्ति के लिए। यही बात हुई दक्ष प्रजापति के साथ। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आना चाहिए, लेकिन अगर विद्या से अहंकार आ जाए तो यानी कि वो गलत विद्या है, वो सही विद्या नहीं हुई। स्वभाव से विद्या से विनय ही आना चाहिए, और जब विनय आएगा तो उसमें भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति सम्मान की भावना जागृत होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो वेदवाद रहता थे, जो प्रजापति दक्ष इत्यादि थे, उन्होंने
वो जो सतोगुण है उससे बंध गए वो, क्योंकि हैं तो ये तीनों गुण भौतिक ही, तो संभावना हमेशा है कि हम इन तीनों गुणों से बन सकते हैं। तो सतोगुण से जो ज्ञान आता है वो ज्ञान से अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है। अगर वो जो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग यदि चलता रहे, यदि कहीं ना कहीं भोग करने की प्रवृत्ति रहेगी, तो उसमें संभावना है अहंकार जो तमोगुण से उत्पन्न होता है वो आ जाए, क्योंकि ये सतोगुण है, ये अभी मिश्रित सतोगुण है, ये शुद्ध सत्व नहीं है। इसे संभावना हमेशा रहती है कि अहंकार उत्पन्न हो जाए, तमोगुण उसको परास्त कर दे। जैसे कि भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ये तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं। सतोगुण की अधिकता होती है उससे तमोगुण रजोगुण परास्त होते हैं, लेकिन हमेशा से तीनों गुण स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है प्रकट अवस्था में, तो इसलिए उनका हमेशा से खुद सतोगुण के रहने से अगर वो शुद्ध सत्व में नहीं जाएगा तो कभी ना कभी वो सतोगुण से अपने आप रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होंगे ही होंगे, ये क्रम है। इसलिए सत्वगुण से ऊपर उठने की आवश्यकता है, शुद्ध सत्व में जाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में हमेशा के लिए नहीं रह सकता कोई इस भौतिक जगत के अंदर, क्योंकि सत्वगुण डिसबैलेंस रहता है, उसके अंदर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव आता रहता है, और खुद सत्वगुण से धीरे धीरे वो एक समय आएगा कि तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये चक्कर चलता रहता है। हमेशा कोई स्वर्गलोक में नहीं रहता है, स्वर्गलोक जो है वो सत्वगुण प्रधान है, लेकिन सत्वगुण के बाद अपने आप से रजोगुण और तमोगुण आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये गलती थी, प्रजापति और सभी जो ब्राह्मण थे वो सोच रहे थे कि सतोगुण ही सर्वश्रेष्ठ है, हमें अभी और अधिक जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जो शुद्ध सत्व में स्थित थे शिवजी, उनको वो नहीं समझ पाए, उनको वो सोचे ये हमसे निम्न है। तो शिवजी जो है वो बाह्य रूप में राख लपेटते हैं, ये सब तामसिक वृत्तियां हैं, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध सत्व में हैं इसलिए उनको ये तमोगुण इत्यादि तीनों गुणों से अतीत है वो, तो इसलिए वो उनको प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति इसको नहीं समझ पाए, उन्होंने सोचा कि ये क्या शमशान में रहने वाले हैं, ये इनके ऊपर तमोगुण आच्छादित है। शिव जी को कार्य दिया गया है तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करने का, इसलिए जो सारे उनके अनुचर हैं भूत प्रेत पिशाच वो सब तमोगुण से आच्छादित हैं, लेकिन शिवजी उनको भी आश्रय प्रदान करके उनको भी शुद्धि करने का कार्य करते हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये बात दक्ष प्रजापति नहीं समझ पाए। तो कई बार जो वैष्णव हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भुंजे ना बुझाए, उसको समझना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वैष्णव भगवान के आदेश से भगवान की इच्छा को स्थापित करने के लिए उनको उनकी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो तीनों गुणों में नहीं होती हैं, इसलिए कभी कभी उसको समझने में गलती हो सकती है। तो यही एग्जैक्टली हुआ, शिवजी के उच्च पद को समझने में भूल कर गए, क्योंकि शिवजी की जो क्रियाएं हैं बाह्य रूप से बड़ी अटपटी हैं, इसलिए जो शिव तत्व है वो बहुत मुश्किल तत्व है समझने में। गुरु तत्व और शिव तत्व, ये दोनों ही तत्व बड़े मुश्किल हैं। तो शिव जी की स्थिति को वास्तव में समझने के लिए वैष्णवों का संग चाहिए। जो वर्तमान समय में भौतिक जगत के अंदर जो शिव जी के अनुयायी हैं वो भी शिव जी को नहीं समझते हैं, इसलिए शिव जी कहते हैं कि मुझे मेरे अनुयायियों से भी अधिक प्रिय है भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि मेरे अनुयायी वास्तव में वो सब इस भौतिक जगत में भोग विलास के लिए ही मुझसे मांगते रहते हैं। शिवजी खुद इस भौतिक जगत से पूरी तरह से अनासक्त हैं, अगर भोग विलास ही सबसे बड़ा होता जो शिवजी के पास वरदान है तो शिवजी खुद क्यों भोग विलास नहीं करते हैं? ये विचारणीय बात है, लेकिन शिवजी के अनुचरों को ये बात सरलता से समझ में नहीं आती है। अरे भाई शिवजी जो है शमशान में रह रहे हैं, आप उनसे गाड़ी बंगला मांग रहे हैं, तो सोचते हो कि वो खुद क्यों ऐसे ऐश्वर्य में नहीं रह रहे हैं? यदि ऐश्वर्य ही उनके पास देने योग्य सबसे बड़ी चीज़ है तो वो खुद ऐश्वर्य में क्यों नहीं रह रहे हैं? खुद उनका जीवन क्या है शिवजी का? शिवजी हमेशा से संकर्षण का ध्यान में मग्न रहते हैं,
और नाचते हैं कीर्तन में। गौर लीला के अंदर शिव जी जो हैं वो इस संकीर्तन में नाचते हैं। तो शिव जी का जो सबसे महानतम जो धन है उनके पास वो है कृष्ण प्रेम का धन। इसलिए वैश्वानाम यथाशंभो, इस भौतिक जगत के अंदर सबसे बड़े जो वैष्णव हैं वो शिव जी हैं। तो वास्तव में शिव जी से यदि कुछ मांगने योग्य है, जो सबसे प्रिय उनको चीज़ है, वो कृष्ण भक्ति है। इसलिए शिव जी ये कृष्ण भक्ति को देने के लिए एक वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं, रुद्र संप्रदाय जिसको बोलते हैं, जिसमें विष्णु स्वामी आते हैं। ये एक वैष्णव संप्रदाय है। और जो तथाकथित शिव जी के अनुयायी हैं वो तो वास्तव में शिव जी के अनुयायी नहीं हैं, वो शिव जी के हृदय को नहीं जानते हैं। वे लोग इस प्रकार से उनके बीच में और वैष्णवों में इस स्पर्धा चलती रहती है जो यहाँ हम देखने को मिल रहे हैं। तथाकथित शिव जी के अनुयायी और तथाकथित वेदों के अनुयायी, दोनों ही गलत है। तथाकथित वेदों के अनुयायी जो वो सब भृगु मुनि और सब दक्ष प्रजापति थे, वो भी वेदों को नहीं समझते हैं, क्योंकि वेदों में वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, वेदों का अंतिम निचोड़ है कृष्ण को समझना। तो वेदों शिवजी के अनुयायी भी इस बात को नहीं समझ रहे थे और प्रजापति इत्यादि देवतागण भी नहीं समझते हैं। देवतागण भी सत्वगुण से बंधे हुए हैं, वो भगवान के मिश्रित भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं है। वो भगवान को स्वीकार तो करते हैं, वेदों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए वे भी अंधकार में हैं। तो ये सब जो गूढ़ रहस्य है वो नियमित रूप से भगवत भक्तों के मुख से शास्त्रों को सुनकर के ही समझा जा सकता है। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कैलो कृष्ण वेद पुराण। जो मायाबद्ध जीव हैं उनमें स्वतः कृष्ण ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान स्वतः नहीं आ सकता है, इसीलिए कृष्ण के विषय में स्वतः वो नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कृपा करके ये वेद पुराणों को दिया। लेकिन ये वेद पुराणों को देने का समझने का तरीका क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। जो भगवान के महान भक्त हैं, जो भगवान को पूर्ण शरणागत हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आकर के जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनसे वेदों को सुनने से ही हम वेदों को सही प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो आज वेदों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अपने को स्वतंत्र समझते हैं कि जिसका जो मन में आए वेदों के बारे में लिख दे। रामायण के ऊपर अपनी अपनी बहुत सारी सीरीज़ हैं, बहुत सारे सीरियल्स हैं, लेकिन जब तक वेदों को गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले एक शुद्ध भक्त जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित हो निस्वार्थ भाव से, ऐसे किसी भक्त से श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा ही कुछ हाल होगा, हम प्रतिभ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं। पहली कि वेदों को समझने का तरीका भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से उनको सुनना है, और इसलिए सुनना है कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएँ, भगवान के सेवक बन पाएँ। और सत्वगुण अनुकूल है, हमारा जीवन सत्वगुणी होना चाहिए, लेकिन अगर अहंकार हमें आ गया, हम अपने को बड़ा समझने लगे, है ना, तो फिर सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जब अहंकार आता है तो मति मर जाती है। तो प्रजापति के अहंकार आ गया, इससे सारी मति उनकी ख़त्म हो गई, इसलिए उन्होंने शिवजी जैसे महान भक्त का अपराध कर दिया। तो इसलिए प्राइड कम्स बिफोर फॉल, अहंकार जो है वो पतन से पहले आता है। जब अहंकार आ गया मतलब पतन शुरू हो गया। अहंकार का केंद्र क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान, निरादर, यही अहंकार का स्टार्टिंग है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्ग यान्ति परंतपः समूहम सर्वभूतानि सर्ग यान्ति परंतपः। तो ये मोहित जब हम हो जाते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की महानता को नहीं समझते हैं, वहाँ से हमारा पतन शुरू होता है। तो दक्ष प्रजापति का पतन इसलिए हुआ क्योंकि भगवान के महान भक्त का निरादर किए। तो इस सब को हम ना करें, इससे बच पाएँ, उसके लिए शास्त्रों के सिद्धांतों में सही प्रकार से स्थित होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें नियमित रूप से श्री प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ना होगा, नियमित रूप से सत्संग में भाग लेना होगा, और नियमित रूप से भक्तों के संग में भगवान की सेवा करनी होगी, तो अपराध बुद्धि नहीं आएगी। अगर सेवा बुद्धि रहेगी तो अपराध नहीं आएगा।
हाँ, कुछ सेवा नहीं करें, कुछ नहीं करें, बैठे रहें, अपराध नहीं हो जाए, अपराध नहीं हो जाए, उससे अपराध से नहीं बच पाएंगे। सेवा करने से अपराध से बचेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी करेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए कुछ भी मत करो। ऐसे अपराध बुद्धि से नहीं बचेंगे, क्योंकि अपराध बुद्धि अंदर ही है, उसका शोधन करना होगा, उसका शोधन सेवा से होता है। इसलिए अपराध बुद्धि से कैसे बच सकते हैं? सेवा करके बच सकते हैं। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते रहें, करते रहें, तो सब प्रकार के अनर्थ समाप्त हो जाएंगे और हम धीरे धीरे शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। इस विषय में यदि कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, तो कृपया आप कर सकते हैं। शिवजी जो है वो गुणातीत हैं। जब शिवजी भी प्रभावित होते हैं तमोगुण से, ऐसे भी कुछ घटनाएं हम देखते हैं, जैसे भृगु मुनि ने जब उनकी परीक्षा ली थी, क्रोध आ गया था, कैसे समझना है? नहीं, शिवजी जैसे ये सब कार्य जो है वो लीला के अंतर्गत होते हैं। जैसे इवन ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री के पीछे भागे, तो ये सब जो महान महान जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वास्तव में उनके जीवन में जो हम देखते हैं वो तो भगवान की विशेष योजना के कारण ऐसा वो करते हैं। वो उनकी खुद की अपनी स्थिति नहीं है, भगवान के विशेष योजना से वो ऐसा कार्य करते हैं। और कोई प्रश्न? यस। ये चार पुरुषार्थ हैं, लेकिन ये परम पुरुषार्थ नहीं है। कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ है। तो धर्म करने से यही समझ है कि शास्त्रों में जो धर्म दिया गया है उसको करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, जिससे कि हम अपने इस भौतिक जगत में सुख शांति से रह सकते हैं। और जब हम समझ जाएं कि ये सुख शांति जगत में कुछ है ही नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि नश्वर है जगत, तो फिर मोक्ष की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे धर्म, अर्थ, काम और फिर अंत में मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। लेकिन मोक्ष के भी आगे है कृष्ण प्रेम। जब हम भक्तों के संग में आके समझते हैं कि ये मोक्ष जीवन की सिद्धि नहीं है, जीव की स्वरूप नहीं है मोक्ष, ब्रह्मलीन होना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो फिर हम पंचम पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यही अंडरस्टैंडिंग है। बाकी तो बहुत विस्तृत विषय है, अभी ये समय नहीं है इसके लिए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।